फरमाया कि जो शख्स दुनिया में दूसरों की गलती को जितना जल्दी माफ करने वाला होगा, अल्लाह क्यामत के दिन उसकी गलतियों को उतना जल्दी माफ फरमा देंगे। और दूसरी हदीस पढ़ के तो डर लगता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा दूसरे से गलती की माफी मांगे और फरमाया कि अगला कहे मैं माफ नहीं करता, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो कह रहा है ना मैं माफ नहीं करता, ये क्यामत के दिन मेरे सामने हौज़े कौसर पे हाजिर ना हो। यानी दूसरे लफ्जों में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उस बंदे की शक्ल नहीं देखना चाहता। आज तो ये हाल, खाविद बीवी की गलती को माफ नहीं करता, बीवी खाविद की गलती को माफ नहीं करती। अल्लाह अकबर कबीरा। सोचिए तो सही, हमारे दिल की हालत किस कदर बुरी हो चुकी है, अपनों को माफ नहीं करते। एक बुजुर्ग थे, हज के सफर पर गए, उनके हाथ में एक थैला था, उसमें उनके पैसे भी थे, सारा कुछ था। एक नौजवान आया और उसने जल्दी से दौड़ते हुए जो हमयानी उनसे छीनी और छीन के भाग गया। अल्लाह की शान के जिसने हमयानी छीनी थी ना, ये थोड़ी दूर आगे गया तो अचानक इसके आंखों की बिनाई चली गई। कई दफा होता है ना, बैठा हुआ आदमी उठे तो आंखों में अंधेरा आ जाता है, तो इसकी भी ऐसी हालत हुई कि इसकी आंखों में अंधेरा, बिनाई चली गई। लो जी, इस नौजवान ने तो रोना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा क्यों रोते हो? कहने लगा कि मैंने एक बंदे का थैला छीना, पैसे छीने, मुझे लगता है उसने बददुआ की, अल्लाह ने मेरी बिनाई छीन ली। उनका भाई वो बंदे वो कहां है? कहने लगा फलां हज्जाम की दुकान के करीब। तो जब उस बंदे को बताया कि भाई वो बड़े मियां आ गए, लोगों ने भी कहा माफ कर दें, नौजवान ने भी कहा प्लीज मुझे माफ कर दें, वो कहने लगे मैंने तो उसी वक्त ही माफ कर दिया था। वो कहे जी ये आपके सारे पैसे लेके भाग गया और आप कहते हैं मैंने उसी वक्त माफ कर दिया था। वो कहने लगे हाँ, मुझे ख्याल आया था जिसकी वजह से मैंने उसी वक्त माफ कर दिया था। तो लोगों ने पूछा क्या ख्याल आया था? तो वो बड़े मियां कहने लगे कि जब ये मेरा थैला लेके भाग गया तो मेरे जहन में ख्याल आया क्यामत का दिन होगा और मैं अगर अल्लाह के सामने मुकदमा पेश करूंगा तो इस बंदे से हिसाब लिया जाएगा, और जितनी देर मेरे और इसके मुकदमे के फैसले होने में लगेगी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उम्मत का हिसाब मुकम्मल होने से पहले जन्नत में नहीं जाऊंगा। तो ख्याल आया कि जितनी देर मेरे मुकदमे में लगेगी, मेरी वजह से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में जाने में देर लगेगी, मैंने माफ कर दिया, ना मुकदमा पेश होगा, ना मेरी वजह से मेरे आका को देर लगेगी। आज हमारी अगर ये सोच बन जाए तो हम हर एक को माफ ना कर दें कि हमारी वजह से तो हमारे आका को देर ना लगे ना जन्नत में जाने में। हम भी अपने घरों में अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, गलतियां हो जाती हैं, बातें हो जाती हैं, तो बजाय दिलों में कीना रखने के और बजाय दिलों के अंदर दुश्मनी पालने के, हम अल्लाह के लिए माफ करने की आदत डालें। ये नबी अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक है। अल्लाह हमें इस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसके बदले अल्लाह क़यामत के दिन हमारे कसूरों को माफ फरमा दे। मेरे दोस्तों, हम इसके ज्यादा मोहताज हैं। दूसरे ने तो एक गलती की होगी और हमने पता नहीं अल्लाह के कितने गुनाह किए हैं। अगर एक गलती को माफ करने पे वो परवरदिगार सब गुनाहों को माफ कर दे तो सस्ता सौदा है। इसलिए जब भी कोई माफी मांगे या ना भी मांगे, अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के बंदों को माफ कर दिया करो। अल्लाह ताला हमें इस सिफत के साथ बकी